बात करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी है कर्मचारियों को। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर कल सौगात दी। कर्मचारियों को केंद्र के समान अब महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। अप्रैल से इसका भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो सरकारी कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को सौगात दी है। सरकारी कर्मचारियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सौगात दी है। कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को सौगात दी। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को सौगात दे रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात यहां पर दी है। कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता नीरज जी का। नीरज जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को सौगात दी, हर वर्ग को यहाँ पर सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी जा रही है और इसी कड़ी में अब सरकारी कर्मचारियों को भी सौगात दी गई है, क्या कुछ जानकारी? जी पूनम, देखिए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था और उस मौके पर उन्होंने कई सारी सौगातें जो है कर्मचारियों को दी, सफाई कर्मियों को दी। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपना जन्मदिन मनाया तो उन्होंने वहां सफाई कर्मियों के साथ में भोजन किया, कन्या पूजन किया, साथ में स्वच्छता को लेके साफ सफाई भी की। इसके अलावा उन्होंने जो पौधारोपण का जो संकल्प है उस संकल्प को भी अपने पूरा किया। इसके बाद जिस तरह से वो जो सफाई कर्मियों का जो सम्मेलन था उसमें शामिल हुए और उसमें सफाई कर्मियों को भी सफाई मित्र कहने की सौगात दी कि अब सफाई कर्मियों को जो है सफाई मित्र बोला जाएगा। और उसके अलावा जिस तरह से ए जो ग्रेडिंग है शहरों की, जो ग्रेडिंग है स्वच्छता के मामले में, उसके अनुसार उसके अनुपात में उनको जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जैसे यदि किसी शहर की स्वच्छता मिशन में थर्ड ग्रेडिंग है, तीसरे 3 स्टार मिला है उसको तो 3,000 रुपये, 4 स्टार मिला है तो 4,000 रुपये, इस तरह से 7 स्टार तक उनको 7,000 रुपये तक का इसमें प्रावधान किया गया है। साथ में 150 रुपये उनका और भत्ता जो है वो बढ़ाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुँचे जहाँ उन्होंने जो है कर्मचारियों को सौगात दी। उन्होंने वहाँ घोषणा की कि केंद्र सरकार की तरह जो है 31% जो है अब सरकारी कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा, महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो भत्ता दिया जाता था वो 20% था, अब 11% और बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी जो कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरियाँ हैं, जो तनख्वाह हैं, उसमें इजाफा होगा। जिस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जो श्रेणी हैं उनके सभी जिस तरह से उनकी जो सैलरी जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। तो माना जा रहा है कि 2023 के जो चुनाव हैं और इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है, इनको लेके ये सारी जो सौगातें दी जा रही हैं और जिसको लेके आप कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जिस तरह से कर्मचारियों को जो सौगात दी है उससे कहीं ना कहीं 7,000 से लेकर 1.5 लाख तक 25,000 तक जो है तनख्वाह इनकी कर्मचारियों की बढ़ सकती है। जी पूनम जी, नीरज जी आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है सरकारी कर्मचारियों का यहाँ पर महंगाई भत्ता 31% बढ़ाने की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही है। अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा।